हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर हैविंग फन. सो इस वीडियो में हम लोग रेडी होंगे फॉर अरहम्स बर्थडे, ठीक है. और मैं आपको अपनी सारे ड्रेस की लुक दिखाती हूँ. ये है अंगरखा स्टाइल का, ये बना हुआ है शर्ट पोलका डॉट्स में, और ये जे डॉट की है, ठीक है. ये और ये लॉन्ग शर्ट है, ठीक है. इसके साथ ये ट्राउज़र्स हैं, और इसकी मैं अभी आपको डिटेलिंग्स दिखाती हूँ, ठीक है. और ये इसकी ओवरऑल लुक है. नीचे इसके मस्टर्ड है, और ऊपर से ये ब्लैक और वाइट पोलका डॉट्स में है. और नीचे जो इसका बॉर्डर है वो ही सारा एम्ब्रॉयडर्ड है, ठीक है. उस पर एप्लिक वर्क टाइप हुआ हुआ है काम, ये मैं भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है. ये है इस तरह की एम्ब्रॉयडरी, और ये एप्लिक स्टाइल में हुई हुई है, ठीक. तो ये हमारी शर्ट हो गई, और अब मैं आपको इसके साथ बाकी एक्सेसरीज दिखाती हूँ, ठीक है. ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके साथ शॉल एक ली है, क्योंकि विंटर्स हैं तो आई एम नॉट वेयरिंग एनी स्वेटर और कोट, तो मैं जैसे इसको शॉल के साथ कैरी कर लूँगी. तो मैं अभी आपको इसकी शॉल दिखाती हूँ. शॉल बहुत ही कोजी वार्म है, और ये डबल शेडेड है. एक साइड से ये मस्टर्ड है, ठीक है, और एक साइड से ये ब्लैक है. सो ये डबल साइडेड शॉल है, और ये बहुत अच्छी इसके साथ मैच हो रही है. आपको थोड़ी वार्म फीलिंग भी देगी. और लास्ट टू बर्थडेज टू अरहम की हुई हैं, उन पर मैंने फ्रॉक्स वगैरह पहने थे, सो दिस टाइम आई वॉन्टेड टू वेयर शर्ट. तो इस बर्थडे पे मैंने ये लॉन्ग शर्ट के साथ इसको स्टाइल अप किया है, ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी ओवरऑल लुक आपने देख ली है. तो अब हम चलते हैं बाकी एक्सेसरीज़ की तरफ. तो इसके साथ आए मेरे पास ब्लैक तो हील्स बहुत पड़ी हुई थी, बट आई वॉन्टेड टू गो फॉर समथिंग मस्टर्ड, ठीक है, थोड़ा इसको ब्राइटन अप करने के लिए. तो मैंने काफ़ी सारे ब्रांड्स पे मस्टर्ड शूज़ ढूँढे, बट ये क्लाइव ब्रांड है, इससे मैंने फ़र्स्ट टाइम शॉपिंग की है, ठीक है. इसका मुझे कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं था, बट इसकी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं ये शूज़. ब्लॉक हील्स हैं ये, और ये कोट शूज़ जैसे, मतलब मुझे रिक्वायर्ड था कलर, और ये सब कुछ पूरा कर रहे थे, मेरी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतर रहे थे. तो आई बॉट दिस क्लाइव, ठीक है. ओवरऑल मतलब अच्छे थे ये शूज़, मुझे बहुत पसंद आए हैं. और इनका इसकी प्राइस थी आई थिंक 3000 रुपीज़, ठीक है. तो आई लाइक इट, तो फिर मैंने ले लिए. तो ब्लॉक हील में ये होता है कि आप कंफर्टेबल रहते हैं, बाकी अगर आप बिल्कुल पेंसिल हील्स वगैरह बच्चों के साथ, आपको पहनने में बहुत मुश्किल होती है. सो दिस वॉज माई हील्स. अच्छा, अब मैं आपको अपनी बाकी ज्वेलरी दिखाती हूँ. यस सर, वेट फॉर मी, ओके. अच्छा, यहाँ पे ये मैं आपको अपना नेकलेस दिखा रही हूँ. ये बहुत ही खूबसूरत नेकलेस है, जिसपे थोड़े मोटे मोटे से पर्ल्स लगे हुए हैं, स्टोन्स लगे हुए हैं, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था. आई जस्ट लव इट, ठीक है. तो ये मेरा नेक पीस हो गया, और इसके साथ जो है ये मुझे एक इयररिंग्स नज़र आए थे पोलका डॉट्स में ही. सो ये मैं इसके साथ कैरी करूँगी, ठीक है, क्योंकि अगर आप ड्रेस को थोड़ा एक्सेसराइज कर लें तो वो और जो है उसकी लुक अच्छी आ जाती है. इसके साथ आप पर्ल्स भी पहन सकते हैं, स्टड्स, बट मैंने यही कैरी किया था. अब हम चलते हैं बर्थडे बॉय की ड्रेसिंग की तरफ. सो दिस वॉज अरहम स्वेटर
ठीक है। और ये मिकी माउस हमारी थीम है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपनी भी ड्रेसिंग की है और अरहम की भी। ये बच्चा पार्टी से मैंने ऑर्डर किया है स्वेटर, बहुत ही प्यारा है, मिकी माउस इस पे बना हुआ था इसलिए मैंने लिया, और इसकी क्वालिटी स्टफ़ एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट, तो मुझे बहुत पसंद आया। इसके साथ मैंने ये डेनिम की जैकेट ली है ब्लैक, ठीक है, और 3 to 4 years का मैंने साइज़ लिया, तो साइज़ परफेक्ट है बिल्कुल। और ये इसके साथ पेयर अप किया है मैंने, और ये है साथ ब्लू जीन्स, ठीक है। जीन्स मैंने ब्लू ली है ताकि थोड़ा बिल्कुल जो है वो मोनोटोनी उसकी ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो ये हो गई अरहम की ड्रेसिंग। अब मैं आपको दिखाती हूँ दुआ की ड्रेसिंग, ठीक है। अच्छा, दुआ के लिए मुझे कोई मिकी माउस का आर्टिकल नहीं मिल रहा था, तो आई वांटेड टू गो फॉर समथिंग मस्टर्ड, सो आई गॉट दिस हुडी और साथ में जो है इसकी ब्लैक पैंट्स हैं, ठीक है। तो ये हो गई दुआ की, इस पर बैक साइड पे भी इसकी बनी हुई है और ये फुली मतलब कवर्ड सी है, तो आई गॉट दिस, ठीक है। तो ये हो गई हमारी तैयारी। अच्छा, इसका मैं बता दूंगी मैंने ली कहाँ से थी। ये मैंने ली है पेपरलैंड से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी। अच्छा, इसके मेरे पास रेड ऑप्शन भी पड़ा हुआ है क्योंकि मिकी माउस थीम है, तो आप रेड ब्लैक जो है वो कुछ भी पहन सकते हैं। तो उसके बाद चलते हैं, ये है मेरे हस्बैंड की स्वेटर। अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको आइडिया होगा, ये मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट दी थी, तो अभी तक उन्होंने ट्राई नहीं की, तो मैंने ये निकाली है। ये मेरे ड्रेस के साथ भी जा रही है परफेक्टली, तो इसके साथ वो पहनेंगे ब्लैक डेनिम की जैकेट जो कि अभी मुझे मिल नहीं रही थी। So I'll find that. So this was it for today. Don't forget to subscribe to my channel and like this video. See you soon.